The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the... हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नोमैडिक जर्नी। और आज हम जा रहे हैं भृगु लेक ट्रैक पे। इस टाइम वैसे मैं हूँ रास्ते में ही हूँ, और जहाँ से ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूँ ये एक ढाबे पे हम रुके हैं। ये बेस कैंप ही है, मतलब हमें ट्रैक स्टार्ट किए 15 मिनट ही हुए और मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट किया है। तो चलते हैं भृगु लेक ट्रैक पे और करते हैं एक्सप्लोर। ट्रैक की ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि ट्रैकिंग करते वक्त व्लॉगिंग करना सेफ नहीं है, तो गोप्रो से शूट करेंगे। और गोप्रो का फुटेज अब देखोगे। हम मिलते हैं बेस कैंप पे। मौसम थोड़ा खराब हो रहा है और हम बेस कैंप, और यहाँ पर अभी स्नोफॉल हो रही है। कैमरा देने पर क्या भाई घिसाई बन जाएगा? ऐसी बात, बहुत हैवी स्नोफॉल हुई थी जस्ट अभी बंद हुई है, और अभी भी हल्की हल्की स्नोफॉल आप देख सकते होंगे। तो अभी हमने स्नो में टेंट लगाया था, मतलब स्नोफॉल हो रही थी, और अभी खाना खा रहे थे। आज रात यहाँ स्पेंड करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से जाएंगे हम भृगु लेक नेक्स्ट डे। तो ये मेरे साथ कुछ को ट्रैवलर्स है, आयुष, आयुष, सृष्टि, समीक्षा, मुस्कान। हे गाइस, डे सेकंड हियर इन भृगु लेक ट्रैक। और लेट्स देख के पता चल रहा होगा कितनी ज्यादा ठंड है यहाँ, बहुत ज्यादा विंड है। आवाज भी शायद ही आएगी आपको। आज हम जा रहे हैं ट्रैक करने ऊपर। ये हमारा बेस कैंप था कल, और वहाँ वैसे बेस कैंप The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. So snow pe track start ho chuka hai aur kafi zyada wind hai. पूरा यहाँ से कवर करते हुए हमें वहाँ जाना है, फिर वहाँ मीट आवर गाइड। ये अपना हनुमान टिब्बा, उसके नीचे बेस कैंप। जब बी सी एम करते हैं, जो बोलते हैं बेसिक माउंटेनियर कोर्स होते हैं BMC, तो वहाँ पे ले जाते हैं 15,700 फीट पे। अब वो बैन हो गई है तो बेस कैंप तक बस ले जाते हैं, और एडवांस में लेके जाते हैं या तो फ्रेंडशिप पीक, या तो लेके जाते हैं उन्होंने देव टिब्बा। हमें इस पीक के पीछे जाना है फॉर भृगु लेक। It's got me turned around, but I can't ignore the feelings that I found in this whole damn thing that we got going. रीच्ड रोला कुली, और ये यहाँ का बेस कैंप है भृगु लेक का। हमारा बेस कैंप नीचे था क्योंकि यहाँ पर स्नो ज़्यादा है, इसलिए बेस कैंप यहाँ बना नहीं पाए। वैसे यदि आप जून में या जुलाई में आओगे तो ये बेस कैंप आपका रोला कुली। थोड़ी स्लाइडिंग आ गई है, तो मे बी स्लाइड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये देखते हैं। एक नाला आ गया, यहाँ से पानी भरेंगे। एक छोटा नाला है जो आगे जाके नदी में मिलता है, और हमें ये क्रॉस करना है। ये ऊपर से क्रॉसर है, तो इसके ऊपर से क्रॉस करेंगे, उसके बाद ऊपर चढ़ना है। बहुत ज़्यादा स्टीप है, लेट्स सी। तो क्रॉस ये
are about to reach Bhrigu Lake. और व्यू जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ बड़ा ही शानदार है. रीच Bhrigu Lake और लेक जो है वो गायब हो चुकी है स्नो में, पूरी फ्रोजन और उसके ऊपर स्नो आ गई है, तो मतलब दब चुकी है लेक और कुछ भी नहीं दिख रहा इस टाइम. बट सीरियसली यहाँ एक लेक है.